जो भी तुम करते हो वो मैं करके बताऊंगा। लेकिन याद रखो बाबा भागेश्वर धाम, जो मैं करके दिखाऊंगा वो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर सकते। वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। हाँ, अगर आएगा तो पेंट गीला करके हम भेजेंगे। हाँ, पेंट गीला कर देंगे, उसका वो जो है ना सू नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी आहा संकट मोचन है, अति बलवान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा भागेश्वर धाम ने दुनिया के तमाम धर्मों के संतों, बाबाओं और पेशवाओं को, बल्कि मौलवियों और पादरियों को अपमानित करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस जुमले का इस्तेमाल किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले अफसोस और शर्मनाक है। सर्वप्रथम मैं देश भर के तमाम युवाओं को वाजे तौर पे बता देना चाहता हूँ कि बाबा भागेश्वर धाम चमत्कार के नाम पर जो भी दिखाते हैं वो एक आर्ट है, वो एक फन है, वो एक कला है और वो एक ट्रिक है। उसे किसी अवतार या देव देवताओं से जोड़ना और चमत्कार मानना गलत बात है। बाबा भागेश्वर धाम ने दुनिया के तमाम धर्म के मानने वालों को चैलेंज किया है। लिहाजा मैं तालिब रज़ा अतहरुल कादरी गुलबर्गा शरीफ कर्नाटक से बाबा भागेश्वर धाम के चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, कबूल करता हूँ। और बाबा भागेश्वर धाम, अगर तुम सच्चे हो, शक्तिशाली हो और इतने पावरफुल हो तो आओ मैदान में। एक वक्त बताओ, एक जगह बताओ, तारीख बताओ जहां तुम अपने तमाम भक्तों के साथ आ सकते हो, वो जगह बताओ। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से उनकी दुआएं लेते हुए, तुम्हारी चैलेंज को कबूल करते हुए आने के लिए तैयार हूं। और तुम्हें गलत साबित करके बताऊंगा, और जो भी तुम करते हो वो मैं करके बताऊंगा। लेकिन याद रखो बाबा भागेश्वर धाम, जो मैं करके दिखाऊंगा वो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर सकते। लेकिन एक शर्त है, बाबा भागेश्वर धीरेंद्र, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे कोई भी शर्त को मानने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए और मैं बहमदही ताला जीत गया तो तुम और तुम अपने तमाम भक्तों के साथ हमारे मजहब को, हमारे धर्म को कबूल करना हो।